राम राम जी, गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार और तारीख है 31। ये देखिए, खीर बनने के लिए माँ ने रख दी है और सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने अपना दूध गर्म किया है और सुबह के बजे में 7, इसमें मैंने ली है बर्फी जो कल बनाई थी दूध के साथ खाने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही दूध पीती हूँ, क्योंकि नाइशा छोटी है आपको पता है, तो उसको भी दूध तो इसलिए मुझे पीना पड़ता है सुबह उठते ही। और सभी लोग अपने अपने काम करने में लगे हुए हैं। अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका था और लगभग 11 बजे हुए हैं टाइम, और माँ कर रही है तैयारी, क्योंकि आज गोगा नवमी है। तो इस दिन हमारे यहाँ पर 5:15 कढ़ाई होती है, जिसमें गुलगुले, खुरमले और मटर जिसको बोलते हैं, ये बनते हैं गोगा नवमी पर, तो इसमें निकालने के लिए। और ये देखिए, खीर बन चुकी थी, अभी इतनी सी बची है, सभी ने खा ली है। और जो कल बर्फी बनाई थी वो फ्रिज में है, अच्छे से जम चुकी है, ये देखिए। और भाभी भैया आज जाने वाले हैं, तो माँ ने सोचा कि ये भी लेके चले जाएंगे, जो बनाएंगे गुलगुले, खुरमले, मट्ठी। तो बस अभी माँ लगी हुई है बनाने में, खाना पीना सबका हो चुका है। और सबसे पहले इसमें गुलगुले फ्राई करेगी, सरसों का तेल है इसमें। सभी बच्चे भी इकट्ठे हो रहे थे, तो माँ सोची कि चलो आज जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि वो भी लेके जाएंगे, भैया भाभी भी जाएंगे आज, तो वो भी कुछ ले जाएंगे, वहाँ पे खा लेंगे, बच्चे भी वहाँ जाएंगे साथ में, तो सोचा खा लेंगे। तो जल्दी से जल्दी ये देखिए बना बना कर इसमें डाल देगी सारे। ये देखिए, इसमें गुलगुले भी हैं और जो ये हैं मट्ठी शिक, वो भी हैं इसमें, गुलगुले इकले हैं, और इनको हम पूड़े भी बोलते हैं, लेकिन हम इनको गुलगुले बोलते हैं। और ये देखिए, इधर मैदा का जो आटा है वो भी लग चुका है, और मेरी सिस्टर है वो इनको बेल रही है, यानी काट रही है मट्ठी को। और ये देखिए, ये बन चुके हैं, ये खुरमले एक प्लेट में और बच चुके हैं अभी फ्राई करने के लिए। और हमारे गोगा नवमी पर ऐसे ही कागज़ पर बनाकर पूजा की जाती है। और ये देखिए, भैया भाभी चल पड़े हैं। फिर मिलूंगी आपके साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी जा चुके हैं भैया भाभी, और अभी शाम का टाइम हो चुका है, और चाय बनाई है मैंने, थोड़ी सी बूंदी ली है, गुलगुले और खुरमले। आप भी आ जाइए, खा लीजिए, और गोगा नवमी की आपको ढेर सारी।